हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वैकेंसी के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड की तरफ से डिप्लोमा और बीबीटेक वालों के लिए वैकेंसी आई हुई है। यहां पर लगभग सभी ब्रांचों के लिए वैकेंसी रहने वाली है। यहां पर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर्स एलिजिबल रहने वाले हैं। तो कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस आपका कैसे रहने वाला है, ये सारी जानकारी हम आगे के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित किसी भी लेटेस्ट जॉब का अपडेट आपसे मिस ना हो। और आप प्रीमियम टाइप जॉब्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के साथ एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो हम हैं इनके ऑफिशियल नोटिस पर। नोटिस आपका टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड की तरफ से जारी किया गया है और वर्क लोकेशन यहां पर आपकी नोएडा, उत्तर प्रदेश, मुंबई, महाराष्ट्र रहने वाली है। और आगे यहां पर आपको बता रखा है वी आर हायरिंग इनवाइटिंग प्रोफेशनल्स फॉर अवर हाइड्रोकार्बन्स एंड केमिकल बिजनेस। यानी जो आपकी ये रिक्रूटमेंट रहने वाली है ये इनके हाइड्रोकार्बन और केमिकल बिजनेस के लिए रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं हम आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो जिन भी दोस्तों ने हमारे डिप्लोमा या फिर बीबीटेक कर रखा है सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से और आपके पास मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो ही आप यहां पर एलिजिबल रहने वाले हैं। तो जो भी दोस्त हमारे इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं तो आप वीडियो को लाइक करके जा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहली पोस्ट यहाँ पर आपकी रहने वाली है बीबीटेक वालों के लिए। यहाँ पर पोजीशन आपकी डिज़ाइन और इंजीनियर के लिए रहने वाली है। सबसे पहली पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है पाइपिंग एंड स्ट्रेस एनालिसिस डिज़ाइन इंजीनियर की। दूसरी पोस्ट यहाँ पर आपकी रहने वाली है मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर की स्टैटिक और रोटरी में। नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर सिविल और स्ट्रक्चरल डिज़ाइन इंजीनियर के लिए रहने वाली है, इंस्ट्रूमेंटेशन डिज़ाइन इंजीनियर के लिए रहने वाली है, इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन इंजीनियर के लिए रहने वाली है, प्रोसेस डिज़ाइन इंजीनियर के लिए रहने वाली है और प्रोक्यूरमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर के लिए रहने वाली है। यहाँ पर आपसे बीबीटेक मांगा गया है इन ब्रांचों में और मिनिमम आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगली वैकेंसी भी यहाँ पर आपकी बीबीटेक वालों के लिए रहने वाली है, मिनिमम आपसे 8 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है डिप्लोमा और बीबीटेक वालों के लिए, यहाँ पर आपसे मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। यहाँ पर डिप्लोमा और बीबीटेक सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर्स एलिजिबल रहने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर आपका डायरेक्ट इंटरव्यू के आधार पर रहने वाला है और इंटरव्यू यहाँ पर आपका नोएडा सेक्टर 62 उत्तर प्रदेश में होने वाला है। और हम बात करें आपके डेट और टाइम की तो इंटरव्यू यहां पर आपका फ्राइडे के दिन 30 सितंबर को सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक चलने वाला है। और इसके साथ ही यहां पर आपको बता रखा है अगर आप ये इंटरव्यू मिस कर देते हैं या किसी कारणवश आप अटेंड नहीं कर पाते हैं तो आप इनकी ऑफिशियल साइट के जो है कैरियर पेज पर जाकर अपना जो है रिज्यूम सबमिट कर सकते हैं। तो जिन भी दोस्तों ने हमारे बीबीटेक या फिर डिप्लोमा कर रखा है इन ब्रांचों से और आपके पास मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप नोएडा में है या नोएडा के आसपास में है तो आप ये इंटरव्यू जाकर अटेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आपका ना तो कोई एग्ज़ाम होना है और ना ही यहाँ पर आपकी कोई एग्जामिनेशन फीस लगने वाली है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका थैंक यू, शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।